अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू वीडियो। और आज है फ्राइडे और मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ जुम्मे की, तो मैं आपको मस्जिद दिखाऊंगा अभी अंदर से, तो मैं भी नमाज़ पढ़ रहा हूँ। तो अभी मैं मस्जिद से नमाज़ पढ़ कर आ चुका हूँ और जुम्मे में क्या बोलते हैं खाने में बिरयानी बनती, तो मैंने अभी मैं अपनी मम्मा को बोला बिरयानी बनाए, तो मेरी मम्मा अभी बिरयानी बना रही है और जब बना लेंगी मैं आपको दिखाऊंगा। तो बिरयानी बन चुकी है और आप लोग देख सकते हैं क्या मज़े की लग रही है। तो मैंने अपनी प्लेट पर निकाल ली बिरयानी और देखते हैं कैसी है। पहले हम लोग रायता डालेंगे ऊपर, अब देखते हैं कैसे। बिरयानी बहुत मसाले डाल रहे हैं, स्पाइसी मतलब बहुत मज़े की, और उसका जो बीफ है ये भी जूसी है, उसके जो चावल में ये भी मतलब सॉफ्ट है अच्छे से और इतने सौगी भी नहीं, और बीफ भी और जो आलू भी है वो भी स्पाइसी, ये भी अच्छे हैं। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कितना सॉफ्ट है, आप लोग देख सकते हैं कैसे टूट रहे आराम से। अब मैं खा रहा हूँ बिरयानी, मैं आपको मिलता हूँ लंच के बाद। पाकिस्तानी बेकरी में यहाँ पे सारी पाकिस्तानी चीज़ें मिलती थी, मैं आपको बताता हूँ। तो अब मैं घर आ चुका हूँ और मैंने रास्ते में एक स्टिक खा ली और थोड़ी सी आधी स्टिक खा ली है क्योंकि मुझे इतनी भूख लग रही थी। और अब मेरे पास हैं दो ओरियो कप्स जो मैं खा कर आपको बताऊँगा कैसे। बहुत मज़े के, बहुत क्रीमी भी, और इसका जो केक का टेक्सचर है वो भी बहुत आपके माउथ में मेल्ट हो जाते हैं। मैंने बिस्किट और रस्क भी नहीं, लेकिन मैं वो ब्रेकफास्ट में खाऊंगा क्योंकि मैं आज है वीकेंड और मैंने मंगाया है मैकडोनल्ड्स, और आप लोग देख सकते हैं ये मेरा फेवरेट फास्ट फूड रेस्टोरेंट है क्योंकि इसमें बर्गर भी अच्छे होते हैं, फ्राइज भी अच्छे होते हैं, नगेट्स भी अच्छे होते हैं। तो मैं आपको खोल कर दिखाता हूँ सब कुछ। इसमें लेटस, चीज़, मेयोनी और इसका बन भी बहुत टोस्टेड है, तो बहुत तो ये है नगेट्स, और आप लोग देख सकते हैं अंदर से चिकन कितनी सॉफ्ट है और बाहर से कितना क्रिस्पी है नगेट, और बहुत मज़े का भी लग रहा है। अब मैं खाना खा रहा हूँ और मैं आपको मिलता हूँ खाने के बाद। अभी मैंने डिनर खा लिया और डिज़र्ट के लिए मेरी खाला बना रही चॉकलेट केक और मैं उनकी हेल्प कर रहा हूँ, और मैं अभी केक को मैं बैटर को विस्क कर रहा हूँ। तो मैं बना चॉकलेट मॉल्ट केक और आप लोग देखें मैं कितना वर्ष हूँ गोल्डन रैम जैसे भी अच्छा। मैंने मॉल्ट केक पाउडर बीट कर लिया और अब मैं डालूंगा एग्स, क्या पता है इसमें ऑमलेट भी हो जाए अंदर। देखो ऐसे ऐसे देखो ऐसे तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं ये होलिक्स और मिल्क का मिक्सचर है और ये ड्राई इंग्रीडियंट्स है। और सबसे पहले हम लोग डालेंगे तेल, इक्वल इक्वल करेंगे हर जगह, तो आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा टेस्ट है।
वेरी गुड क्वालिटी। पूरा तेल निकालेंगे हम लोग। अब तेल निकल गया, फिर हम लोग डालेंगे अंडा। अंडा अंडा डाल दे, अंडा अंडा डाल गया। और अब हम लोग डालेंगे ये हॉर्लिक्स, ये पता नहीं क्या कोई है कुछ। तो आप लोग देख सकते हैं मैं कितना अच्छा शेफ हूँ। गॉर्डन रैमसे मेरे सामने कुछ नहीं है, आप लोग देख सकते हैं। मैं करूँगा वेस्ट करूँगा, जब तक वेस्ट करूँगा तब तक इंग्रीडियंट सही नहीं हो जाते, मतलब सही मिक्सचर नहीं हो जाता। आप लोग देख सकते हैं, इसलिए ऐसा लग रहा है इसमें कैरेमल किसी ने सिरप डाला है, लेकिन कैरेमल सिरप तो बिल्कुल नहीं डाला। आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा मैं विश कर रहा हूँ। तो अभी मैं डाल रहा हूँ ये वनीला एसेंस और ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट केक का। तो अभी मैं डालता हूँ, हर जगह स्प्रेड करता हूँ, हर जगह होना चाहिए। तो मैंने हर जगह डाल लिया और अब मैं थोड़ा सा मिक्स करता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं डालता हूँ थोड़ी सी सावर क्रीम, ये फुल कप मैं कह सकता हूँ। अब निकला सावर क्रीम, आप लोग देख सकते हैं इसमें अभी भी थोड़ा सा बाकी, जो हम निकालेंगे अभी। तो सावर क्रीम और ये जो वनीला एसेंट है, ये आपका केक बहुत अच्छा और मॉइस्ट बनाता है। और ये सीक्रेट टेप है, मुझसे मैं कह रहा हूँ, मैं भी चैनल भी खोलूँ, इतना प्रोफेशनल हो। देखो अब हर चीज़ हम लोग सही से विप करेंगे और फिर हम लोग डालेंगे इसको ओवन में, फिर मैं आपको दिखाता हूँ मैं कैसे फ्रॉस्टिंग बना। तो अब मैंने केक डाल दिया बेकिंग में और अब मैं डालूंगा इंग्रेडिएंट। सबसे पहले मैंने केक बेकिंग में डाल दिया और अब मैं बना रहा हूँ फ्रॉस्टिंग। ये है क्रीम, ये है आइसक्रीम शुगर, मैं इसको ये बोलता हूँ क्योंकि ये मेरे आसान नाम है। और ये इसको मैं कहता हूँ क्रीम चीज, नहीं ये क्रीम चीज ही। और ये है हॉर्लिक्स, ये कोको पाउडर और ये बटर। तो अभी मैं आपको निकाल कर दिखाता हूँ मैं कैसे प्रोफेशनल शेफ हूँ आपको। अब ये डाल दिया, फिर हम लोग डालेंगे ये हॉर्लिक्स, फिर हम लोग डालेंगे ये आइसक्रीम शुगर, फिर हम लोग डालेंगे ये क्रीम चीज। आप लोग समझ के नहीं, एक सेकंड निकल रहे। मैं स्पून से ही निकाल लेता हूँ। अब मैं डालूंगा फाइनल इंग्रेडिएंट जो है बटर, और इसको हम आप लोग देख सकते हैं मैं कैसे डालता हूँ। मैं ऑमलेट बना रहा हूँ, इसका नाम है ऑमलेट केक। नहीं ऑमलेट केक नहीं, लेकिन इसमें अंडा गया तो ऑमलेट केक भी हो सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने कैसी अच्छी फ्रॉस्टिंग बनाई है। तो अब मैं करूँगा इसको बर्फ, फिर मैं आपको दिखाऊंगा ये कैसे रखते हैं बाहर। तो आप भी, मैं कर रहा हूँ एक चैलेंज आप लोग को एंटरटेन करने के लिए, क्योंकि अभी केक बन रहा है और इसके लिए मैंने बोला मैं कोई चैलेंज कर लेता हूँ। और ये चैलेंज में बेसिकली ये देखो इधर प्राइजेज हैं, सबसे बड़ा प्राइज़ ये 1000 दे रहा हूँ। देखो इतने सारे प्राइज है, किट कैट है, चॉकलेट है, चॉकलेट केक है, टॉफ़ी है, और सबसे बड़ा प्राइज़ ये मैंने आपको बताया था। और बेसिकली चैलेंज में यही करना होता है, ग्लास आपका जहाँ भी पहुँचा आपको वो प्राइज मिलेगा और सबसे बड़ा प्राइज। सो मतलब सब ये बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि मतलब ग्लास खींचना, वो भी ग्लास का ग्लास खींचना। तो देखते हैं मेरा ग्लास कहाँ कहाँ तक पहुँचता है और मुझे क्या प्राइज मिलते हैं। अब स्टार्ट करते हैं आराम से, आराम से। चलो गिनना कहाँ तक आएगा, मुझे लगता है अभी फटने वाले। पहुँचने वाला हूँ।
पानी गिरने वाला है, पानी गिर रही है शायद। आराम से 1000 दर तक पहुंच गया। मैंने जो केक बनाया था मेरी खाला के साथ, मैंने हम लोग ने वो डेकोरेटिंग कर ली फ्रॉस्टिंग के साथ, हम लोग ने उसको फ्रिज में रख दिया था और अब ये ऐसे दिखता है। और अब मैं इसको कट करूंगा, आप लोग इधर से मैं कट करूंगा और इधर से मैंने कट किया और अब देख, और अब मैं निकालता हूँ स्लाइस। तो मैंने स्लाइस निकाल लिया और आप लोग देख सकते हैं क्या अच्छा लग रहा है ऐसे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे दिख रहे, आप लोग देखें क्या मजे का लग रहा है। अब मैं खा कर आपको बताता हूँ कैसे। क्या मजे का केक, इतना क्रीम, इतनी अच्छी फ्रॉस्टिंग और इतना ठंडा। आज के लोग पसंद है तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और आप प्लीज़ कमेंट करें क्योंकि मैं आपका हर कमेंट पढ़ता हूँ। और आप लोग आराम करें, मैं अपना केक खाता हूँ और मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।